Hey everybody, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach about how to calculate salary, okay? So first में अगर salary जैसे होगा राम joined a bank on 1st Shravan 2072 BS at a pay scale of this मतलब इसे कहने का मतलब है कि अभी 30,000 मिल रहा है, फिर एक से मतलब साल एक साल के बाद फिर 2,000 बढ़ेगा, मतलब ऐसे 2,000 बढ़ते जाएगा तो 38,000 तक सैलरी होगा। तो हम लोग को इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग का करेंट सैलरी क्या है? तो हम लोग का ज्वाइनिंग डेट क्या है, हम लोग का ज्वाइनिंग डेट है 1st Shravan 2072, है ना। उसके बाद करेंट ईयर, अभी हम लोग का करेंट ईयर चल रहा है 2078 तक ले देंगे। उसके बाद 2070 to 71, ठीक है, ये जो है ना मेन ये 71, तो अभी हम लोग का 72 ओके, यहाँ पे 72 होगा। तो 72 में पहले क्या है 30,000 सैलरी है स्टार्टिंग में, तो 30,000 लिखेंगे। उसके बाद 1st Shravan से, तो हम लोग का नेपाल में क्या होता है कि आषाढ़ तक ख़त्म हो जाता है हम लोग, उसके बाद ख़त्म होता है तो स्टार्टिंग होता है श्रावण से। तो श्रावण टू आषाढ़ हम लोग का क्या होगा, श्रावण टू आषाढ़ 12 मंथ का होता है, इसीलिए हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 30,000 हम लोग का सैलरी था, फिर 30,000 से क्या हुआ 2,000 बढ़ा तो 34,000 हो गया, 34 से 36,000, 36 से 38,000, ठीक है। तो हम लोग का ये टू यहाँ तक तो हम लोग का चाहिए ही ना, हम लोग का 38 तक ही बढ़ा है, तो इसको सारा का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग का श्रावण से लेके आषाढ़ तक 12 महीना हुआ फिजिकल ईयर में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का करेंट ईयर कौन सा है, 77 नहीं है 78 है, यही सैलरी को ये बढ़ाते जाएंगे। तो हम लोग का अभी का करेंट ईयर कौन सा है, ये है, तो ये करेंट ईयर के हिसाब से हम लोग का सैलरी भी यही होगा 12 मंथ का, ठीक है। ये वन टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे कि राम ज्वाइन ऑफिस ऑन 1st Boss 2064 BS एट अ पे स्केल ऑफ 30,000, 1,000, ठीक है 36,000, 1,500 और मतलब इसका मतलब हुआ कि पहले 30,000 सैलरी था, ठीक है, उसके बाद 1,000 से बढ़ा 36,000 तक, ठीक है। जब 36,000 उसका सैलरी हो गया ना, तब उसका सैलरी 1,500 रुपये से बढ़ा तो 42,000 आकर वो सैलरी कांस्टेंट हो गया उसका, ठीक है। तो हम लोग का ज्वाइन डेट कौन सा है, 1st Boss, तो 1st Boss का करेंट ईयर कौन सा है 2078, तो 1st Boss से लेके आषाढ़ तक हम लोग काउंट करेंगे। तो पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ कितना हुआ, 3, 3, 6, 1, 7 महीना हुआ, तो 7 मंथ हम लोग का बाकी, मतलब पॉस से वो स्टार्टिंग किया है ना, तो 7 मंथ। तो हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, तो 30,000 हम लोग का स्टार्टिंग में दिया, तो 7 मंथ का अभी हम लोग मतलब पॉज से हम लोग किए हैं, तो आषाढ़ तक तो हम लोग का 7 महीना होगा, तो 7 महीना तक 30,000 हम लोग को मिला। फिर 7 महीने के बाद 5 महीना भी तो हम लोग को 30,000 ना मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग को एक साल कोई भी चीज़ एक साल काम करने के बाद ही हम लोग का सैलरी बढ़ता है। तो फिर 7, 5, 12 हो गया, तो फिर 30,000 हम लोग को मिला 12 महीना तक। उसके बाद 1,000 बढ़ा, ठीक है, 1,000 से कितना हज़ार तक बढ़ना है, 1,000 से लेकर 36 तक जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक 15 से नहीं बढ़ेगा, मतलब 1,000 के दर से ही सैलरी हम लोग का बढ़ रहा है। तो जब ये एक साल बीत गया, ठीक है, ये एक साल बीत गया तो 1,000 हम लोग का बढ़ा, तो 30,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो कितना, 7 ही महीने का ना बढ़ेगा, क्योंकि एक साल के बाद ही हम लोग काम किए हैं। फिर पॉज तक आ जाएंगे, पॉज के बाद तो फिर 7 महीना ही हुआ, तो फिर वैसे ही है, ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिखाएगा, तो फिर ये 5 मंथ, 7, 5 क्या हुआ 12 हो गया, फिर 1,000 से बढ़ा तो 32,000 हो गया, ऐसे करते 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 यहाँ तक हम लोग आएंगे, ठीक है। 36,000 तक हम लोग का महीना एक साल मतलब जितना भी काम किए हैं, 36,000 से 1,000 हर साल बढ़ा है, तो 7, 5, 12 हो गया, तो यहाँ तक रहेगा। उसके बाद 1,500 से यहाँ पे अमाउंट हम लोग का यहाँ पंद्रह से हम लोग का अमाउंट बढ़ा है, ठीक है। तो 36,000 में हम लोग 1,500 से जोड़ दिए, तो 37,500 हुआ, इंटू 7 मंथ का ही होगा, है ना। उसके बाद फिर 5 मंथ
इसको 7, 5, 12 हो गया, तब ये 12 हो गया, फिर इसमें 15 से जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते आएंगे, लास्ट हम लोग का क्या है 42,000 है, ठीक है। तो 42,000 तक यहाँ तक तो हो गया, पर ये हम लोग का करेंट ईयर नहीं है, ये करेंट ईयर है 2070 to 75 है, पर हम लोग का करेंट ईयर कौन सा है 78 है, तो हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो उसके बाद ये वाला 42,000 इंटू आप 12 करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो वो कॉन्स्टेंट सैलरी है ना। तो 42,000 × 12 बिकॉज करेंट इज आवर 78, ठीक है, 2078 ये हम लोग का करेंट ईयर है, इसलिए हम रखते हैं। अगर मान लो कि अगर हम लोग का नोट इफ आवर करेंट ईयर इज स्टिल 2075, देन अगर हम लोग का करेंट ईयर 75 तक है, तो यहाँ तक हम लोग का तो 42 कंप्लीट हो गया ना, पैसा 42 कंप्लीट हो गया, इसको ही हम लोग जोड़ देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो 4,420,500 × 5 + this = this, ये हम लोग का सैलरी होगा। थैंक यू।